देख ही सकते हैं पीछे यही है हमारे सवारी और इसी में जो है हम लोग अभी निकलने वाले हैं। क्या बात है? मेरी बेटी और मेरे पापा बैठे हुए हैं। अरे यहाँ सेंट्रल जेल के कुछ कैदी। बाय बाय। तो यहाँ पे जो है अभी हमारा सवारी प्रत्युषा पार्क के लिए निकल गया। तो पार्क घूमने हम अकेले ही नहीं, यहाँ पे दीदी, मेरे दोस्त और उसका भांजा भी हमारे साथ जा रहे थे। One hour later. तो यही है प्रत्युषा पार्क की एंट्री जो आप देख रहे हैं। और बिना देरी किए मेरे दोस्त ने झटपट सभी के लिए टिकट यहाँ पे काटा और फिर उसके बाद हम लोग प्रत्युषा पार्क के अंदर गए। और जैसे ही आगे बढ़े हम लोगों ने बाएं तरफ में यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट भी देखा और ठीक है उसके दाएं यहाँ पे प्रत्युषा पार्क का कुछ खास एंट्री। पार्क के अंदर घुसते ही आपको खूबसूरत खूबसूरत फूल दिखाई देंगे। काफी मेंटेन करके रखा है इस पार्क को और हमारी नजर पड़ी यहाँ पे एक बैनर का आई लव प्रत्युषा। यहाँ पे मेरा दोस्त मेरी मौसी काफी मजा ले रहे थे पार्क का। यहाँ काफी सारे स्टैचूज बने हुए हैं। माँ और बच्चे का ये कारीगरी तो क्या ही बताएं, दिल को छू गया। पार्क में पहुंचने का आनंद यहाँ सभी के चेहरों में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे एक झील भी है और झील के किनारे यहाँ पे बेटी के लिए भी बनाया गया है। पापा अपने दुनिया में मस्त थे और हम लोग यहाँ पे सेल्फी लेने में लगे हुए थे। क्या बात है? काफी देर बाद बैठने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने बोटिंग करने के लिए सोची, फिर हम लोग सभी बोटिंग करने के लिए गए। झील के किनारे आते ही हम लोगों ने तुरंत यहाँ पे टिकट काटा और फिर तुरंत बोट में सभी लोग बैठ भी गए। तो यहाँ पे पीली कलर की और एक बोट थी तो इसमें मैं पहले बैठ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा दोस्त भी बैठ गया, फिर हम लोग भी पैडल मारते मारते झील का मजा लेने हम लोग भी निकल गए। पार्क में बोटिंग का मजा ना आए ये कभी हो सकता है? घर वाले सारे काफी खुश थे। यहाँ झील काफी छोटा है तो बोट राइड भी यहाँ पे हमारा जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ बोट राइडिंग खत्म होने के बाद तो हम लोग सभी यहाँ पे उतर गए और उतरने के बाद मैंने इन लोगों से पूछा बोट राइड कैसा लगा। तो बोटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए पार्क के दूसरे तरफ और जगह काफी अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा फोटो क्यों ले आना जाए। और चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे अपने अपने अंदाज में बैठ गए। तो यहाँ जोरों शोरों से फोटो शूट होने के बाद हम लोगों ने पूरे परिवार का फोटो लिया और यहाँ फोटो खींचने के बाद पार्क बाकी देखना ही था और हम लोग दूसरे तरफ में पार्क देखने के लिए निकल गए। यह पार्क काफी छोटा है और छोटे होने के कारण आप यह पार्क जल्दी घूम सकते हैं। खास तौर पे यह पार्क बच्चों के लिए बनाया गया है और आपको यहाँ पे खरगोश और बतख भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सामने एक चिल्ड्रन पार्क भी देखने को मिला और चिल्ड्रन पार्क देखते ही हम सभी लोगों ने काफी मजे लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जगह बदल बदल के पार्क के कोने कोने पे बैठ के हम लोगों ने फोटो खींचा और सच बताए काफी मजा आया। और कुछ देर यहीं पर हम लोगों ने टाइम पास करने के लिए सोचा और बच्चे भी काफी खुश थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्युषा पार्क पूरा घूम चुके थे। फिर हम लोग पार्क के धीरे धीरे बाहर निकल गए। पार्किंग लॉट में जाते ही हम लोगों ने चाय का ऑर्डर किया, फिर चाय का इंतजार करते रहे। सभी लोग काफी थक भी चुके थे। तो कैसा लगा प्रत्युषा पार्क? लेट मी नो योर थॉट्स इन माय कमेंट बॉक्स। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियोस के यहीं पर एंड करते हैं और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।